तो स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे। मैं पहली बार मैंने ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, तो मेरे ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। ये केनाल वर्क कैसे किया जाता है, कंस्ट्रक्शन के काम कैसे किए जाते हैं, हाईवे के काम कैसे किए जाता है। फिलहाल मैं एक केनाल प्रोजेक्ट में हूँ, तो मैं अभी ये केनाल के बारे में भी वीडियो बनाऊँगा और आशा करता हूँ कि आप लोगों को सबको अच्छा लगेगा। तो मैं अब थोड़ा सा बताता हूँ किस टाइप से हम लोग काम कर रहे हैं। तो जी, ये हमारा जो केनाल काम चल रहा है, ये पहले से एक कंपनी ने छोड़ के चली गई है, तो उसको मैं ये कंप्लीट करवा रहे हैं कि जो बीच बीच में छोड़ गया पेज, उसको हमारी कंपनी बनाएगी। साथ में इस केनाल की शाखा बनेगी, वो हम लोग बनाएंगे। तो ये ओवरऑल हमारा नया प्रोजेक्ट है, तो इसलिए मैं बताते जाता हूँ कि कैसे क्या काम चलेगा। तो जी, ये देखिए किस तरह से कुछ केनाल पहले से बनी हुई है। आगे मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ ज़ूम करके। ये आगे हमारी केनाल इस तरह से बनी हुई है, और इसके बाद इसको हम नए केनाल बनाएंगे। तो ये इस तरह से ये हमारा केनाल का सेंटर पॉइंट है, ये केनाल इससे जाएगा, और इसमें डंपर लोडिंग, मुरुम लोडिंग ये सब चालू है। अभी हम केनाल की हाइट उठाते जा रहे हैं। ये हमारे डंपर्स और गेडर डोजर सब लगे हुए हैं, सारी एक्टिविटी चालू है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे डंपर्स लगे हुए हैं, ये हमारा ट्रैक्टर डोजर लगा हुआ है, ये इसको फैलाते जा रहा है। बाबा ट्रैक्टर ग्रेडर भी है इसके साथ फैला के हुए, इसको बनाते जा रहे हैं। तो देखते हैं कितना क्या काम कर सकते हैं और कैसा काम कर सकते हैं, और मैं आपको कैसा वीडियो प्रेजेंट कर सकता हूं। उम्मीद तो यही है कि मैं पहली बार बना रहा हूं, तो आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए, और बाकी तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या कमी है जो भी देख रहा है। तो आशा ये करूँगा कि आप लोग सपोर्ट करो। तो फिलहाल तो मैं बताते जाता हूँ कि कैसे का काम चल रहा है। तो हमें इस मिट्टी को फिलिंग चालू करनी है इस हाइट तक की, जो ये केनाल बनी हुई है इस हाइट तक की। ये हमारा ट्रैक्टर डोजर लगा हुआ है, ये मिट्टी को तकाते जाएगा। इसी टाइप पे हमारे पास ट्रैक्टर ग्रेडर भी है, तो इसको हमको उठाना है इस हाइट तक की। मैं आपको दिखाता हूँ, तो हमें ये उठाना है इस लेवल तक की, ये जो मिट्टी फिलिंग चालू है आगे इस लेवल तक की उठाना है। ये जो हमारी केनाल है, ये किसी पुरानी कंपनी ने पहले बना के चली गई थी छोड़ के, तो अभी हमारी कंपनी को मिला है इसको कंप्लीट करने का, और साथ में इसकी शाखाएँ निकलेगी तो वो बनाने का है। तो मैं आपको दिखाते जाऊंगा कि कैसे क्या केनाल बनती है। तो ये देखिए इस टाइप से केनाल बनी हुई है पहले से, ये मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ इस टाइप से कैसे ये केनाल में लाइनिंग होती है, मतलब ये कैसे केनाल में ये स्लोप कैसा बनता है, ये इसकी पट्टी कैसी बनती है, और कैसे इसको मिट्टी भरा जाता है, कैसे का काम किया जाता है, ये मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो यही है, उम्मीद कि आप लोगों को पसंद आए। हमारा ट्रैक्टर डोजर है, इससे मिट्टी ढकाते हैं हम लोग, और ताकि ढकाने में मिट्टी ढक जाएगी तो फिर इसमें केडर लग के एक लेवल में होते जाएगा। अभी क्या है, ये ऊपर नीचे एंडोल्यूशन जैसे दिख रहे हैं, मतलब इसको भर के एक लेवल में करना है हमें, और वो हाइट उतनी हाइट तक की करना जितनी अपनी केनाल की हाइट तक की है। तो इसको एक पम्प में नहीं भर सकते हैं, इसको हम लोग लेयर बाई लेयर में भरते हैं। इसको 8-8 इंच की मिट्टी डाल के फिर इसमें इसको फैला के रोलिंग वाटरिंग करके कंपेक्शन कर देते हैं। फिलहाल इसमें क्या है कि पहले से ही मिट्टी गीली है, थोड़ी नमी है, तो इसमें इसलिए हमको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर कभी मिट्टी में नमी नहीं हो तो उसको फिर पानी डाल के इसको गीला करके फिर थोड़ा सा मॉइस्चर सूख जाए, उसके बाद फिर रोलिंग किया जाता है। तो अभी क्या है कि मिट्टी में बारिश हो रही थी 2-3 दिन से, तो मिट्टी गीली है, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही फ़िलहाल तो इसको गीला करने की। और ये हमारा ट्रैक्टर ग्रेडर है, ये हमको एकदम सरफेस को हमारे लेवल करता है। तो ये लगा हुआ उस तरफ से भी, दोनों तरफ से अभी मिट्टी स्टॉक होते जाएगा, एक लेवल होते जाएगा, तो हमको एक फॉर्मेशन एक लेवल में करना है। फिलहाल इसको एक लेवल में करने के बाद हम उसको और लेवल वाले लेयर करते चलेंगे। तो ये चालू एक्टिविटी सारी चालू है। तो ये रोलर है हमारा, रोलिंग करते जा रहा है, ये रोलिंग करते जाएगा इस तरह से, फिर हमारा रोलिंग होने का जैसा बेड दिखेगा जैसा ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये रोलिंग भी करना कंपलसरी ज़रूरी रहता है। ये जो अभी थोड़ी बहुत लाइनें दिख रही है रोलिंग की, ये भी दिखना बंद हो जाएगा क्योंकि अभी ये एक लेवल में नहीं है, इस कारण से ये रोलिंग में थोड़ी सी लाइनें दिख रही है, अदरवाइज लाइन तो दिखनी नहीं चाहिए। तो ये रोलर अभी रोलिंग करते जा रहा है। तो ये रोलर है, गेडर है, और डंपर तो अपना चालू है ही, तो इस तरह से काम चलेगा हम लोगों का। ये देखिए ये रोलर वोलर चल रहा है, तो अभी रोलर भी काफ़ी, जब रोलर चलता है तो पूरा कंपन कर देता है, फुल स्पीड से रोलिंग जब रोलिंग करते हैं तो पूरा कंपन कर देता है। इसको रोलिंग नहीं करेंगे तो क्या है कि केनाल टूटने का रिस्क रहता है, तो इसलिए अभी हम लोग
रोलिंग पे कोई कंजूसी नहीं कर रहे, रोलर हमारा कंटिन्यू लगा हुआ है, हमारी डंपिंग चालू है, हमारी रोलिंग चालू है, हमारी गेयरिंग चालू है। तो इस तरह से लेयर बाई लेयर चलेंगे हम लोग। और ये हमारा जो बीच में जो खाली दिख रहा है वो हमारा केनाल का सेंटर पोर्शन है, वहाँ से पानी बह के आगे जाता है, ये वाला पोर्शन है। तो ये रोलर है जेसीबी कंपनी का, तो अच्छी कंपनी का जेसीबी रोलर है, काफ़ी वाइब्रेट करता है, काफ़ी रोलिंग करता है अच्छे से। तो इस तरह डंपर मिट्टी लोड करके लेके आता है और हम लोग इस तरह से हम लोग लेयर बाई लेयर फिलिंग करते जाते हैं। तो ये हम लोग मिट्टी लाना, लेयर बाई लेयर फिलिंग करना, और यही चलता रहता हम लोगों का जब तक कि हम लोग उस लेवल पर ना पहुँचे। तो उस लेवल तक पहुँचने के बाद हम लोग उसमें ट्रेसिंग चालू करेंगे, केनाल की स्लोप बनाने की तैयारी करेंगे। तो इस तरह से जो मिट्टी हम लोगों ने डंप करवाई थी, ये गेडर की मदद से उसको प्लान करके पूरा फैला दिया है। ये देखिए इस तरह से पूरा फैला दिया है, ये हमारा मिट्टी ढकाने का काम करती है और ये उसको लेवल करने का काम करती है। ये गेडर है और ये हमारा डोजर है। तो ये डोजर से मिट्टी डोजिंग करता है और ये गेडर से इस तरह से मिट्टी लेवल से प्लान करते फैलाते जाता है। ये थोड़ा सा और अभी अच्छे से और फैलना बाकी है, एक लेवल में होना बाकी है। जैसे ही अच्छे से ये लेवल में हो जाएगा तो हम लोग इस पर रोलर चालू कर देंगे, इस पर रोलिंग कर देंगे। तो अभी इसको मैंने कहा है कि थोड़ा फिनिशिंग से फैला दें मिट्टी को, फिर इसमें हम रोलिंग चालू कर देंगे। तो इस तरह से कुछ काम होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है, कुछ कमी है तो मैं करेक्शन करूँगा, और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।